रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार एक ऐसे लेखक, रचनाकार, कवि, गजलकार जिन्होंने हिंदी साहित्य में गजल को परंपरागत रोमानी भावुकता से बाहर लाकर आम आदमी से जोड़ने का कार्य किया और हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान बनाई। भारत के मशहूर गजलकारों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। हिंदी गजलकार के रूप में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली वो दशकों में शायद ही किसी को मिली हो। दुष्यंत कुमार ने अपनी गजलों में आम आदमी की पीड़ा, शासकों का दोहरा चरित्र, चारित्रिक पतन, देश की दुर्दशा आदि को दर्शाया और आम जन तक पहुँचाया, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। इस महान कवि का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। दुष्यंत कुमार ने कक्षा 10वीं से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में वे परदेशी के नाम से लेखन करते थे। 1958 में उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में पटकथा लेखक के रूप में कार्य किया। 1960 में वे सहायक निर्देशक के पद के रूप में उन्नत होकर आकाशवाणी भोपाल आ गए। आकाशवाणी के बाद वे मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में रहे। इस दौरान आपातकाल के समय उनका कविमन अत्यंत शुद्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति उनके द्वारा कुछ कालजी गजलों के रूप में हुई। दुष्यंत कुमार ने सिर्फ 42 वर्ष के जीवन में अपार ख्याति हासिल की और हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान दिया। उन्होंने बहुत से नाटक, कविताएं, उपन्यास, गजल और लघु कहानियां भी लिखी हैं। इनकी मुख्य रचनाओं में जलते हुए वन का वसंत कविता संग्रह, सूर्य का स्वागत कविता संग्रह, आवाजों के घेरे कविता संग्रह, साये के धूप गजल संग्रह, एक कंठ बिशपाई काव्य नाटिका है। भोपाल में 19 दिसंबर 1975 को यह महान लेखक, गजलकार, कवि इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य में महान उपलब्धियां हासिल की। उन्हीं की वजह से गजल को प्रसिद्धि मिली। वर्तमान में भी उनके शेरों और गजलों को साहित्य और राजनीतिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाता है। उन्हीं के शब्दों में, मुझ में बसते हैं करोड़ों लोग चुप रही कैसे, मुझ में बसते हैं करोड़ों लोग चुप रही कैसे, हर गजल अब सल्तनत के नाम बयान है। दुष्यंत कुमार त्यागी सचमुच ही एक साहित्यकार थे। उनका योगदान साहित्य जगत में हमेशा अमर रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी उनके लिखे शेरों गजलों को गुनगुनाएंगी और सीख भी लेंगी।